हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आज डेट है कितना? आज 1 सितंबर है, जो कि कल तीज व्रत रहना है। और आप लोग भी जान रहे हो कि कल तीज व्रत रहे हैं। और मैं आपसे अपने वीडियो में बताई थी, जो पिछला वीडियो मेरा था, कि मैं फेशियल किट मुझे गिफ्ट मिला है और मैं उसको आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी कि मैं उसका लुक शेयर करूं जब मैं फेशियल करूं। अपने हाथ से तो उतना ज़्यादा होता नहीं है अच्छा, बट मैं करना चाह रही हूँ, करूँगी। और मैं आपको उस चीज़ को दिखाऊँगी जो गिफ्ट मिला था, उस समय मैं दिखाई थी, बट आज मैं फिर दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये फेशियल किट पर्ल का है, लिप एरोमा और पर्ल्स का है। आप इसको देखिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मुझे गिफ्ट में मिला था, मैं ये आपको बता दी थी, पहले ही बता दी थी कि मुझे ये गिफ्ट में मिला था। मैं यूज नहीं कर रही थी, ऐसे रखी थी। मैं आज सोची कल तीज है तो थोड़ा सा मैं इसको ट्राई करती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप मैं अपने ही हाथ से स्टार्ट करने जा रही हूँ। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं आपको साथ अपना दिखाती हूँ। ये कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप है ये, देखिए। तो मैं यही सोच रही थी कि थोड़ा सा कर लूँ, कल है, जो कि होना चाहिए 2 दिन पहले, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं 2 दिन पहले कर लूँ, बट आज ही कर लेती हूँ। थोड़ा सा मन कर दिया तो मैं सोची कर लूँ और आप लोग के साथ भी अपनी चीज़ें शेयर कर दूँगी। तो इसलिए मैं इसे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक बार मैं इसे पहले भी की थी, मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी स्मेल तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। इसके काम भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, मुझे काम भी इसको बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि मैं इसको पहले भी की थी, काफ़ी मुझे अच्छा लगा था। मैं बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग ग्लो आई थी मेरे चेहरे पे। अब ये मत कहिए कि आप कभी यूज नहीं करते इसलिए आपको मालूम नहीं, नहीं मैं यूज शादी पार्टी वगैरह करता है कभी ऐसे, तब वो भी अपने घर के शादी में अगर रहता था तो मैं फेशियल करा लेती थी, ऐसे नहीं कराती हूँ कभी भी, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है चेहरे पे ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज करनी चाहिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है। ब्रांड लीजिए चाहे कुछ भी लीजिए, हर में एक केमिकल होता है। और मैं इस समय बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी और ना बहुत ज़्यादा मैं मसाज करूँगी, बस थोड़ा सा मैं करती हूँ 5-5 मिनट के लिए। आ गई मेरी बेटी, जो मेरे बगल में मेरी जेठानी की बेटी रहती है, मेरी बगल में क्या कुछ दूर पे शुक्ला जी हैं, बेटी में मुझे उसे मेहंदी लगवाना है, इसलिए मैं उसे बुलाई थी। बस मैं ये करने लगी। रितु आ गई क्या? आ जाओ इस रूम में, अपने कपड़ा धुलाई के लिए खुला है, देखो। हेलो कर दो, हेलो कर दो मेरे वीडियो पे, हेलो करो। हेलो, सामने से आके मेकअप चालू है। हाँ मेकअप थोड़ा सोची मैं कर ली तो दिखा दूँ, कल तीज है, थोड़ा मोड़ा कर लूँ। काफी ज्यादा अच्छा मुझे गिफ्ट मिला है यार, फ्री का। फ्री की चीजें वैसे भी लोग खुश हो जाते हैं। सबने अलग अलग प्रोडक्ट है भाई, सारे अलग अलग ना। एक आया था कंपनी वाला, इसके कंपनी का, तो वो फ्री में दे दिया सासु फ्री में। हाँ यार फ्री में तो दिया, उसका दे दी होंगी यार। नहीं नहीं उसे प्रचार करना था। अरे वाह यार, सब जगह बांट देता।
तो उस समय मैं काम करके गई थी। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइव। और खाना नहीं खाया? नहीं बेटा, अभी खाना नहीं खाया। अभी तो स्टार्टिंग कर रहे थे तो थोड़ा सोचे वीडियो अपना ये कर ले, फिर उसके बाद ही डालेंगे। अब बस एक ही स्टेप अभी स्टार्ट किए थे, अब बाद में ही करेंगे, नहीं तो ज़्यादा करने लगेंगे काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अब मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। एंड क्या करती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर मिलती हूँ जब मैं मेहंदी लगवाऊँ। हेलो, देखिए अब आप लोग, मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, जो कि मैं अभी वो अपना की थी फेसियर कर रही थी, उस समय मैं दिखाई मैं फेसियर कर रही हूँ। और फेसियर करते करते फिर मेरा सारा फाइव स्टेप जो भी था सारा हो गया, और मैं फाइव स्टेप नहीं दिखा सकती थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता मेरा वीडियो, इसीलिए मैं उसे नहीं की। और मैं अपनी ये मेहंदी जो लगा रही है मेरी बेटी है, बहुत ही अच्छी है। और मैं इसे बुलाई थी, मेरे बगल में भाभी हैं, उनकी लड़की है, मैं उसे मेहंदी लगाने काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता, मुझे नहीं आता है इसलिए मैं उसे बुलाई थी। वो आई थी तब से मेरे पास बैठी थी, और अब मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। उतने समय तक मैं सारे समय फाइव स्टेप था जो भी फेसियर का अपने हाथ से की, और करने के बाद फिर मैं सोची कि मैं जो मेहंदी देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, ऐसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। देखिए कितनी ज़्यादा मेरी मेहंदी अच्छी लग रही है। कल तीज व्रत रहना है इसलिए आज ही मैं सारे मेकअप का काम कर ले रही हूँ। मेहंदी तो सभी लोग आज ही लगवा ले रहे होंगे क्योंकि रात में सोते समय अच्छा नहीं लगता है सारा कराने। रात में होता है क्या कि पूरा बिस्तर पे झड़ते हैं, सो जाओ, इधर उधर हाथ पड़ते हैं। तो मैं दोपहर का ही समय है, इसी समय मैं लगवा रही हूँ। इस समय टाइम 1:30-2 बजा होगा ना, तो मैं कि मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है। कैची लाओ, कैची लाओ बेटा, काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी मेरी मेहंदी लग रही है। और मैं सोची थी कि इस बार मैं तीज पे जो भी मेहंदी लगवाऊंगी तो इस पे मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ये देखिए कितना अच्छा लगा रही है मेरी बेटी मेहंदी। आप लोग अच्छा लग रहा है ना मेहंदी, आप लोग भी इसे देख के कमेंट जरूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि मेरी बेटी लगा रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगाती है। जब भी मुझे लगवाना रहता है मैं इसे बुला लेती हूँ, और मेरी बेटी भी अच्छी है कि जब मैं बोलती हूँ वो आ जाती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती है, बस मैं फ़ोन करती हूँ आ जाती है। उसे ये भी रहता है ना चाची के साथ अपने थोड़ा सा गप्पे मारना रहता है, इसलिए और भी वो आ जाती है फटाफट कि मज़ा ले लो चलो चाची का। आप लोग देखो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है मेहंदी।
बाहर निकाल दे क्या बेटी, ऐसे हो जाएगा, उसे पकड़ाएगा नहीं ना, दिपाएगा नहीं ना। मैं कड़ा पहनी ही हूँ, अब मुझे डर लग रहा है कि मेरे कड़े से कहीं ख़राब ना हो जाए, इतनी अच्छी मेहंदी लगा रही है, इसी मेहनत भी पानी में ना जाए। ये देखिए, ए मेरे कड़े भूले ना, कड़े निकाल दो, निकाल ही दो है? काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था मेहंदी, कड़ा बस बेकार कर दे रहा है मेरा, कड़े को मैं ध्यान में नहीं दी। ये थे मेरे मेहंदी के डिजाइन, आप लोग देख रहे हो कितनी अच्छी लग रही है। और चलिए मैं फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, तो इस मेरे वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज़, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा प्लीज़ गाइस, आप लोग का एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर कमेंट में भी दिखिएगा कैसा लग रहा है मेरी मेहंदी, जो कि मैं कोई पार्लर वगैरह से नहीं लगा रही हूँ, मैं घर में ही लगवा रही हूँ अपनी बेटी से, तो इस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।